खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बिरवा लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण दूध संघ के प्रांगण में हुआ। सरदार पटेल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बिरवाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महर्षि ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी कार्यक्रम में स्वामी जी के साथ महामंडलेश्वर आत्म चेतना गिरी जी थे। कार्यक्रम में मुकबधिर छात्राओं की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले विपुल भसोटिया और समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का भी सम्मान किया गया। सरदार पटेल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायिका आशा वैष्णव की भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था। भजन संध्या का प्रारंभ गणेश वंदना कर किया गया। भजन की प्रस्तुति पर सभा में उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालु झूम कर नाचने लगे। इस भजन प्रस्तुति पर लोगों ने गायिका आशा वैष्णव की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जमकर सराहना की। सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की महानता के बारे में भजनों का प्रस्तुतिकरण व्यवस्थित जन समुदाय में राष्ट्र भावना जागृत की। देश हित में सदैव तत्पर रहने के लिए भजन के माध्यम से संदेश दिया। स्वर कोकिला आशा वैष्णव द्वारा अनेक रंगारंग भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। मध्य प्रदेश की जनता का मुझे बहुत ही सारा प्यार मिल रहा है। दीपालपुर में मैं पहली बार आई, वैसे राजस्थानी कार्यक्रम के लिए राजस्थानी समाज में आई हुई हूँ, लेकिन दीपालपुर में जो कार्यक्रम कैलाश विजयवर्गीय के सानिध्य में मेरे मुझे जो भजनों का प्रस्तुति का मौका मिला, वो कार्यक्रम मेरे लिए में अद्भुत था। और वही कार्यक्रम में मुझे मध्य प्रदेश की जनता का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर कलाकारों का मान सम्मान भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का बहुत ही मेरी ओर से धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि अभी मंच से हमने सुना, आपने खुलकर हिंदुत्व का एवं राष्ट्र का प्रचार किया, ऐसे राष्ट्र के प्रचार और हिंदुत्व के प्रचार करने पर आपको किसी प्रकार की कोई विपताएं नहीं आती? विपताएं मुझे बिल्कुल नहीं आती है और मैं खुलकर जब भी देश की राष्ट्रभक्ति करती हूँ तो मुझे अपने आप पर बहुत ही गर्व होता है कि मुझे देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति गाने का ये मौका मिल रहा है। और कभी मंच के ऊपर मैं डरती नहीं हूँ और कभी डरूंगी भी नहीं। देश के हित में और देश के लिए, बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सके तो कोई नहीं, लेकिन देश के युवाओं में जो देश भक्ति हम जगा पाए वही मेरे लिए बहुत है। आधुनिक युग में पश्चिमीकरण बढ़ता जा रहा है और जो देशभक्ति है, भक्तिभाव है, उनसे युवा समाज दूर होता चला जा रहा है, उससे इसको किस प्रकार से लेते हैं? ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैं मानती हूँ पहले ऐसा था, लेकिन अभी लगभग ये 5 सालों में हम देख रहे हैं कि भारत के लोगों की, भारत की जनता में अब वो जवाब देने का हौसला है। और वो शायद इसीलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी हैं, जिनकी युवाओं में, जिनके लिए बहुत ही सारी नरेंद्र मोदी जी के लिए जो भावना है, तो थोड़ा थोड़ा सा डर अब जो लोगों को था वो चला गया है। अब हम खुलकर एक हो सकते हैं। हमारा भारत अब लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो एक साथ में आवाज़ के साथ खड़ा रहे। थोड़ा थोड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ, लेकिन जो आधे लोग अभी भी नहीं हैं, जो आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, लेकिन वो भी धीरे धीरे जैसे हमारा नया भारत हो जाएगा वैसे ही सभी लोग अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे और खड़े रहेंगे। ये कोशिश हम सभी देशवासी और नागरिक करते हैं, आगे भी करते हैं। मीडिया के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भक्तिभाव के कार्यक्रम ज़्यादा करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि इन लगभग 10 सालों में भक्ति रस लोगों में जो भगवान के प्रति जो भावनाएं बढ़ती जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति को इससे दूर भी होते जा रहे हैं। तो मैं समाज से ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदुत्व है, हम हिंदुस्तान में इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। तो बस इस समाज में जो रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, सभी इस समाज को लेकर चले, हिंदू को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर चले और इसे सदियों तक आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें फॉलो करें और यही संस्कार हम हमारे बच्चों को दे पाए, बस यही मेरा संदेश। बीते 20 वर्षों में आपके मंडल के साथ 3 मुस्लिम वर्ग के लोग आप मंच से खुला मुस्लिमों को विरोध करते हैं। मैं जब भी देशभक्ति गाती हूँ, हमेशा कोई भी मंच हो, लगभग ये 9 साल से मेरे साथ ये बच्चे काम करे जो 3 मुस्लिम धर्म से मेरे साथ, मैंने आज तक देशभक्ति गाए हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोई मजहब के बारे में नहीं कहा है।
बस हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान के लिए वफादार होने चाहिए, बाकी हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम तो हिंदुस्तान वाले सबसे प्यार करने वाले और प्यार से रहने वाले हैं, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब एक है। कड़ोद कला से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।